व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ले आई हूँ बिना कॉन्डेंस मिल्क और बिना क्रीम से बनी हुई मैंगो आइसक्रीम। ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। जो लोग कैलोरी की डर से आइसक्रीम नहीं खाते, अब वो लोग दिल खोल के आइसक्रीम खा सकते हैं इस तरीके से बना के। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी शुरू किया जाए। मैंने 100 ml फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिला दूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अभी मैं कढ़ाई में 500 ml फुल क्रीम मिल्क लिया है। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अलग से आपको मलाई डालनी पड़ेगी। और दूध को अच्छे से हिलाते हुए मैं इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर लूँगी। फुल क्रीम मिल्क वैसे भी गाढ़ा होता है, तो इसे और ज़्यादा गाढ़ा कर लेना है। देखिए फैट ऊपर आ चुका है, ये येलो येलो दिखने लगा है। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करूँगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं, या फिर कम मीठा पसंद है तो और ज़्यादा कम कर सकते हैं। चीनी घुल गया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें जो सॉल्यूशन बनाया था फुल क्रीम मिल्क और कॉर्नफ्लोर का, वो डाल दिया मैंने। और अब इसे हाथ को बिना रोके अच्छे से कंटिन्यूअसली चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। दूध हमारी काफी गाढ़ी हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं। ये जितना ज्यादा अच्छा गाढ़ा होगा उतना ही आइसक्रीम हमारी अच्छी बनेगी। अब मैं इसे ठंडा कर लिया मैंने और इसे ब्लेंडिंग जार में डाल दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैंगो का पल्प। ये मैंने पल्प पहले ही बना रखा था। अब मैंने एक एयरटाइट कंटेनर ली है, ये ऐसा एयरटाइट कंटेनर सबके घर में ही होता है, तो इसमें मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी और इसे अच्छे से फैला देना है। मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉयल लिया है ढकने के लिए। अगर आपके पास सिल्वर फॉयल नहीं है तो आप पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ढक के 2 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में रखना है। यहाँ हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो आप वीडियो को आगे तक देखें। मैंने निकाल लिया है इसको फ्रीजर से। इसको मैंने थॉ कर लिया है, इसे हमें फिर से ब्लेंड करना है। किसी नुकीली चीज से या चम्मच से आप इसको ऐसे तोड़ ले। अब मैं फिर से इससे इस मिक्सचर को देखिए कितना क्रीमी बना है मिक्सचर। ब्लेंड करके मैंने मिक्सचर को फिर से एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है। और इसे अच्छे से फैला दिया मैंने। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट, मैंने यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से काजू और बादाम ली है। आप कोई भी अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। हम जब मार्केट से ऐसे अमूल या मादर डेरी की आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट होता है तो मुंह में आता है, अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए इसमें ड्राई फ्रूट डाला है। मुझे पसंद है ड्राई फ्रूट, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाला। अब इसे फिर से सिल्वर फॉयल से बंद कर दूंगी
और इसे अब 8 घंटे के लिए मैं फ्रीजर में फिर से रख दूंगी। हमारा आइसक्रीम देखिए, अब मैं खोल रही हूँ। ये बिल्कुल तैयार है आइसक्रीम। इसे आप अच्छे से आइसक्रीम बोल में डाल के सर्व करें। आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर डिज़र्ट के तौर पे भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी।